हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको सिगोनिया प्लांट के बारे में बताऊंगी और स्पाइडर प्लांट के बारे में बताऊंगी जो मैंने पानी में ग्रो कर रखे हैं। तो ये कम से कम भी मुझे 6-7 महीने हो गए हैं इसमें, देखिए पानी में ग्रो करें। इसके रूट देखिए काफ़ी लंबे रूट्स हैं इसके। तो मैं जब भी इसको पानी को देखिए, पानी अभी साफ़ ही पड़ा है मेरा, बिल्कुल पानी साफ़ पड़ा है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, ये नहीं कि मैं इसको 15 दिन में 20 दिन में, जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं इसको पानी को चेंज कर देती हूँ। जब देखती हूँ कि इसको पानी को चेंज करना है तो पानी को चेंज कर देती हूँ। तो इसको कोई भी, जैसे आम हम पानी, टूटी का जो पानी होता है, नल का पानी होता है, वही इसमें मैं डालती हूँ। कोई इसमें खाद नहीं, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, कोई कुछ नहीं डालती। और मेरा प्लांट भी कितना हेल्दी प्लांट है, आप देख रहे हैं। इस पर कोई बिल्कुल भी कोई कीट पतंगा कोई कुछ नहीं इसको लगता, ना ही इसको कभी, देखिए पत्तियाँ भी बिल्कुल बहुत खूबसूरत है इसकी, ना ही इसको स्प्रे कोई पानी में धोना पड़ता है। मेरे को प्लांट को बिल्कुल ये साफ प्लांट रहता है। देखिए नई नई पत्तियाँ और निकल रही हैं। तो पानी में ग्रो करना प्लांट ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने पहले भी कई प्लांट ऐसे ग्रो किए, तो कभी जैसे कोई फ्रेंड वगैरह आ जाता है तो वो बोलेगा मेरे को ये प्लांट दे दो, तो मैं उसको दे देती हूँ, प्लांट ले जाएंगे दूसरे और लगा लेती हूँ कटिंग करके बीच में, कई बार तो ऐसे हो जाता है। तो इसी तरह जैसे ये मेरा स्पाइडर प्लांट है, तो इसके बेबी प्लांट थे मेरे, मैंने बाहर भी आप एक वीडियो पहले डाली थी स्पाइडर प्लांट की, जो मैंने बेबी प्लांट लगाए हुए थे। तो देखिए इसमें मैंने ये बेबी प्लांट लगाए हुए, तो आपको इसको मैं रूट्स दिखाती हूँ। देखिए इसके रूट्स कितने अच्छे हैं, देखिए बिल्कुल वाइट कलर के हैं। और इसकी पत्तियाँ देखिए बिल्कुल ग्रो कर, ग्रीन है बिल्कुल, कहीं से इसकी पत्ती गली हुई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिए बिल्कुल इसकी हेल्दी ये जो लीव्स हैं इसके। तो इस तरह से ये प्लांट जो है काफ़ी पानी में मुझे बहुत ही अच्छे प्लांट लगते हैं, क्योंकि जब मैं बाहर प्लांट देती हूँ कोई मिट्टी धूल पड़ती रहती है, क्योंकि गांव में रहते हैं काफ़ी धूल मिट्टी रहती है। लेकिन यहाँ पे जो मेरे यहाँ किचन पड़े हुए हैं, ये बहुत ही हेल्दी प्लांट है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी। तो अगर आप भी इसको पानी में ग्रो करना सकते हैं तो आप बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको कोई ज़्यादा नहीं, इसकी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आप एक कोई भी आप बॉटल ले लें या कोई भी आप खुल लें, जैसे इसका मुंह खुला हो, जैसे कि रूट्स वगैरह बाहर निकाल के तो इसको पानी डाला जाए, ऐसा कोई आप बर्तन ले लीजिए तो उसमें आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं, कोई इसमें मेहनत की करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, थोड़ा बच्चों के मुँह से दूर रखें ताकि बच्चे इसको ऊपर ना गिरा लें। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना। धन्यवाद।